नमस्कार दोस्तों, मैं लोग स्वागत करता हूं आपका हमारे आपके यूट्यूब चैनल टेक्निकल आलोकजी में। दोस्तों, अगर मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके रोजाना से नॉलेजल वीडियोस डेली लेके आता रहता हूं। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपसे बात करने वाला हूं स्विफ्ट कोड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, स्विफ्ट कोड होता क्या है और ये कैसे काम करता है और क्यों यूज़ किया जाता है, इन सबके बारे में पूरे डिटेल से बताने वाला हूं। तो करना क्या दोस्तों, वीडियो स्टार्टिंग से पूरा लास्ट तक देखना है कि आपके मन में जो कोई डाउट हो स्विफ्ट कोड से रिलेटेड वीडियो में क्लियर हो जाए। तो चलिए आपको बताते हैं स्विफ्ट कोड, जिसका फुल फॉर्म आपको पहले बता दें दोस्तों। फुल फॉर्म आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। तो ये दोस्तों यूज क्यों किया जाता है दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले ये क्लियर कर दूँ दोस्तों, कोई पेमेंट कोई होल्ड नहीं करता है, ना इसके द्वारा कोई वहाँ पे ट्रांजेक्शन होता है दोस्तों। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक मैसेजिंग सिस्टम होता है। स्विफ्ट कोड सिर्फ और सिर्फ मैसेजिंग सिस्टम है। इसके थ्रू दोस्तों, अब ये यूज कौन करता है दोस्तों, उसको यूज किसको पड़ता है ये आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर आप दोस्तों अब्रॉड से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, यानी विदेश से पैसा आपको भेजना है या विदेश से पैसा आपको वहाँ पे आपके खाते में आ रहा है आपके अकाउंट में, तब आपको स्विफ्ट कोड का दोस्तों जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब आपको आपके पर्टिकुलर ब्रांच का दोस्तों स्विफ्ट कोड पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हर बैंक का वहाँ पर स्विफ्ट कोड होता है दोस्तों, 8 से 11 डिजिट के दोस्तों जो उसका डिजिट होता है वही दोस्तों आपका स्विफ्ट कोड होता है। यानी कि 8 से 11 डिजिट का ये कोड जो दोस्तों होता है, ये स्विफ्ट कोड होता है। हर बैंक का अलग अलग होता है। ये स्विफ्ट कोड दोस्तों तभी यूज़ किया जाता है जब आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करना है दोस्तों अब्रॉड, यानी कि आपको बाहर से पैसे भेजने हैं या फिर अपने अकाउंट में वहाँ पर पैसे लेने हैं, तो अभी आपको स्विफ्ट कोड का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है वहाँ पर। स्विफ्ट कोड को यूज़ दोस्तों ज़्यादातर वहाँ पे जो यूट्यूबर होते हैं, क्योंकि उनके पैसे दोस्तों वो विदेश से आते हैं खाते में, तो उनका स्विफ्ट कोड का यूज बहुत ज़्यादा होता है। ब्लॉगर जो होते हैं, SEOs पे जो वर्क करते हैं, यानी कि जिनका भी पेमेंट दोस्तों विदेश से आता है, फॉरेन से आता है, फॉरेन ट्रांजेक्शन होता है, वो दोस्तों स्विफ्ट कोड का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। तो स्विफ्ट कोड दोस्तों आपको वैसे ही नॉर्मली अगर आप बैंक में का वहाँ पे आपको पैसे लेन देन करते हैं, तो आपको स्विफ्ट कोड जानने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपका यूज भी नहीं होता है। लेकिन अगर आप दोस्तों फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो आप कर रहे हैं दोस्तों, वो अगर आप वहाँ पे फॉरेन से कर रहे हैं, तो आपको स्विफ्ट कोड जाना बहुत ज़रूरी है। आप दोस्तों ऑनलाइन स्विफ्ट कोड वहाँ पे जो जाएंगे, विजिट करेंगे दोस्तों ऑनलाइन स्विफ्ट कोड वहाँ पे जो एक वहाँ पे आप वेबसाइट है उस पर आप जाएंगे, तो आप यहाँ पे जो कभी आप वहाँ पे बैंक नेम डालेंगे, बैंक नेम स्टेट बैंक डालेंगे, फिर उसका आप ब्रांच आप सिलेक्ट करके स्विफ्ट कोड बहुत आसान तरीके से आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो स्विफ्ट कोड आप वहाँ पे चेक कर लीजिए, उसके बाद 8 से 11 डिजिट तक जो स्विफ्ट कोड होता है उसको आप वहाँ पे बता दीजिए दोस्तों, जिसके खाते में दोस्तों आपको जहाँ से पैसे वहाँ पे लेने हैं दोस्तों, वहाँ पे आपको स्विफ्ट कोड देना अनिवार्य है। अगर आप स्विफ्ट कोड जैसे कि आपको यहाँ पे अपने इंडिया से पैसे अमेरिका से वहाँ पैसे आप मंगा रहे हैं, तो आपको अमेरिका को अपना जो यहाँ पर जो कोई आपके खाते में पैसा भेज रहा है उसको स्विफ्ट कोड आपको अपना देना अनिवार्य है। अगर वो बंदा आपके स्विफ्ट कोड नहीं जानेगा, तो आपके अकाउंट में पैसा नहीं भेज पाएगा विदेश से दोस्तों आपके अकाउंट में। तो इसीलिए दोस्तों स्विफ्ट कोड का यूज़ किया जाता है। स्विफ्ट कोड बैंक में यूज़ किया जाने वाला एक और ही कोड है दोस्तों, जैसे कि IFSC कोड होता है, MICR कोड होता है, उसी तरीके दोस्तों स्विफ्ट कोड होता है। लेकिन इन सब दोस्तों डिफरेंस मेन यही है दोस्तों, क्योंकि ये पेमेंट्स को होल्ड नहीं करता है, इससे द्वारा कोई पेमेंट नहीं होता है, लेकिन सिर्फ उसमें मैसेजिंग सिस्टम होता है दोस्तों स्विफ्ट कोड। तो स्विफ्ट कोड जो होता है दोस्तों, वो बहुत ही पहले ही काम में आया था, 1980 में दोस्तों सबसे पहले वो यूज़ किया गया था, यानी कि 1980 में स्विफ्ट कोड का यूज़ किया गया था फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने के लिए। इससे पहले दोस्तों जो होता था ट्रांजेक्शन, वो दोस्तों किसी और मीडियम के थ्रू होता था, लेकिन उतना ज़्यादा रिलायबल और सिक्योर नहीं था, तो स्विफ्ट कोड का यूज़ किया गया। स्विफ्ट कोड का यूज़ करके दोस्तों पेमेंट जो होता है वो बहुत ही आसान तरीके से आप अपने खाते में ले सकते हैं, विदेश से पैसा मंगा सकते हैं, उसमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं होती है, क्योंकि वो दोस्तों ट्रांजेक्शन जो होता है, पैसा आता है बहुत ही आसान तरीके से आ जाता है दोस्तों। तो यही था दोस्तों स्विफ्ट कोड के बारे में, ये दोस्तों बेसिक वीडियो थी, इसके बारे में पूरा डिटेल से अगली वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। अगर आपको चाहिए दोस्तों डिटेल में स्विफ्ट कोड के बारे में, तो आप नीचे जाइए कमेंट करिए, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। और चैनल पर नए विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, तो लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचा करेगी। मैं मिलता हूँ दोस्तों अगली वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।